अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज माजिद शहाब और आज के इस प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के लेक्चर नंबर 7 में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग सी आउट के थ्रू, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, उसके थ्रू हम लोग क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं प्रोग्रामिंग में जो हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। सी आउट एक स्टेटमेंट है जिसके थ्रू आप लोग प्रोग्रामिंग के अंदर रह कर कोई ना कोई डेटा जो है वो प्रिंट कर सकते हैं, कोई मैसेज प्रिंट कर सकते हैं यूज़र के लिए। तो हम सी आउट को यूज़ करके एक्चुअल में क्या क्या प्रिंट कर सकते हैं वो आज का हमारा लेक्चर होगा। सो मैंने कुछ कंटेंट्स आपके सामने लिख दिए हैं। यूजिंग सी आउट टू प्रिंट व्हाट, आप सी आउट के थ्रू क्या क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रिंट कर सकते हैं। सो पहला है हमारे पास स्ट्रिंग डेटा। आप स्ट्रिंग डेटा को प्रिंट कर सकते हैं, आप नंबर्स को प्रिंट कर सकते हैं, फ्लोटिंग नंबर्स को प्रिंट कर सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम लोग स्ट्रिंग को मिलाएंगे वेरिएबल के साथ, यानी कैसे एक मैसेज को मिलाएंगे वेरिएबल की वैल्यू के साथ। तो बहुत ही मज़े का लेक्चर होने वाला है, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये सब क्या है। सो ये है मेरा एडिटर, ठीक है, C++ टर्बो C++ एडिटर। कुछ लेक्चर्स पहले मैंने आपको बताया था कि प्रोग्रामिंग जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। 3 स्टेप्स थे, पहला हैश इंक्लूड एंड डैट इज़ बेसिकली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। सो आपके सामने मैंने यहाँ पे लिख दिया एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इसके बारे में भी मैंने कुछ लेक्चर्स में पहले बताया था। ये जो है बेसिकली ये आपकी एक फाइल का नेम है जिसमें आपके लिए वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि प्रिंटिंग का मतलब समझाएंगी आपके कंपाइलर को। जैसे सी आउट है, अब सी आउट क्या करता है आपके कंपाइलर को इस बुक से अंडरस्टैंड करना होगा। अगर आप अपने प्रोग्राम में सी आउट यूज़ करना चाह रहे हैं और आपने ये बुक ना लिखी तो आपको एरर जो है वो आ सकता है। एक और भी मैं इंक्लूड करना चाहूँगा जो कि है कॉनियो। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी मैंने इन्वॉल्व करना है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 6 में कि इसका क्या काम है। ये आपको एक ऐसी कमांड प्रोवाइड करेगा, ये एक ऐसा फंक्शन प्रोवाइड करेगा जो आपके स्क्रीन को रोक देगा, रिजल्ट को यूज़र के सामने डिस्प्ले रखेगा। अगर आप लोगों ने इसको यूज़ ना किया तो आपका जो आउटपुट विंडो है वो एकदम से गायब हो जाएगी। सो हम चाहते हैं कि हम जो भी प्रोग्राम बनाएं वो हमारे सामने रुका रहे तब तक जब तक हम देखना चाहते हैं, तो उसमें जो कमांड यूज़ होती है उसको रुकने के लिए वो इस बुक में लिखी हुई है, थोड़ी देर में मैं आपको बता दूंगा। देन वी हैव सेकेंड स्टेप डेट इज़ बेसिकली वाइड मेन एंड देट वी हैव थर्ड स्टेप डेट इज़ कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। सो ये हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। मैंने अपने लेक्चर्स में, पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है अबाउट ईच एंड एवरीथिंग कि हर एक चीज़ का क्या क्या मीनिंग है। सो आप काइंडली इस पूरी सीरीज़ को कंटिन्यू रखें ताकि आपको यहाँ तक आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम बात करते हैं कि सी आउट जो है उसके थ्रू हम लोग क्या क्या प्रिंट कर सकते हैं। सो हमारा पहला स्टेप था स्ट्रिंग। सो मैं लिखता हूँ सी आउट और मैंने यहाँ पे प्रिंट करना है एक मैसेज। मैसेज जो होता है वो बेसिकली मोर देन वन कैरेक्टर्स हो सकता है, ठीक है, और मोर देन वन कैरेक्टर्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डबल कोट। अगर आपने कोई 1 2 3 ABC कोई स्पेशल सिंबल सब चीज़ें मिलानी हैं और कुछ शो करना है, कोई पूरी लाइन लिखनी है, उसके लिए आप लोग डबल कोट को यूज़ करते हैं और दैट थिंग इज़ एक्चुअली कॉल्ड अ स्ट्रिंग। सो मैं आप लिखता हूँ डबल कोट और मैं लिखता हूँ वेलकम टू माई फर्स्ट प्रोग्राम। मैंने आप एक स्टेटमेंट लिख दिया, वेलकम टू माई फर्स्ट प्रोग्राम। नाउ अगर आप देखें इस स्टेटमेंट के अंदर आपके पास कैरेक्टर डेटा है, एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, इसलिए मैंने डबल कोट स्टार्ट किया है। आप देख सकते हैं मैंने स्टार्ट में डबल कोट लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे मैं चेक करूँ स्पेसेस भी हैं, इसके अलावा मैं कोई स्पेशल सिंबल भी पुट कर सकता हूँ, जैसे मैं एंड पे आके यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सप्लेनेशन साइन, दैट इज़ अ सिंबल। तो स्ट्रिंग जो है उसके अंदर नंबर्स, सिंबल्स, कैरेक्टर्स, स्पेसेस, ये सब कुछ आ जाती हैं। तो आपने एज अ प्रोग्रामर ये माइंड में रखना है कि अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ प्रिंट कर रहा हूँ जिसमें नंबर्स, स्पेसेस, करेक्टर्स, स्पेशल सिंबल सब कुछ आ रहा है, तो आपने डबल कोट ज़रूर यूज़ करना होगा। आई होप क्लियर। प्लस सबसे एक लास्ट पॉइंट वो ये है कि आप जब भी कोई स्टेटमेंट लिखते हैं उसको एंड भी करते हैं, और एंड करने के लिए आप लोग सेमी कॉलन जो है वो यूज़ करते हैं। आपकी प्रोग्रामिंग का फुल स्टॉप है, किसी भी लाइन को एंड किया जाएगा यूजिंग सेमी कॉलन, तो ये आपने मस्ट करना होगा। गुड, आप लोग सी आउट के थ्रू एक स्ट्रिंग मैसेज जो है वो प्रिंट करना सीख गए हैं। दैट इज़ योर फुल स्ट्रिंग मैसेज, डबल कोट के अंदर लिखा गया, स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी है, सब कुछ ओके है। ऑल्ट F9 करते हैं या कंपाइल करते हैं, चेक करते हैं कि हमें कोई एरर तो नहीं आ रहा। सो दैट इज़ द कंपाइल ऑप्शन एंड वी हैव कंपाइल, हैविंग ऑल्ट प्लस F9 इज़ द शॉर्टकट, क्लिक करें।
एंड आपका कंपाइलर आपके लिए कुछ रिपोर्ट जनरेट कर रहा है एंड राइट नाउ वी हैव नो वार्निंग्स एंड वी हैव नो एरर्स, इट मीन्स हमारा कोड बिल्कुल ठीक जा रहा है। आउटपुट चेक करना है, आप जा सकते हैं रन में और आप यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल F9 या रन। सो मैं क्लिक करता हूँ और आप देखिएगा कि आपका आउटपुट आके चला गया, एकदम से गायब हो गया। वाई? बिकॉज हम लोग इसको रोकना चाहते हैं और आउटपुट विंडो एकदम से आके गायब होती है। अगर आप चाहते हैं कि ये आपके सामने रहे तो आप क्या यूज़ करेंगे, सबसे आखिर में आ जाए और यूज़ कर लें getch, दैट इज़ बेसिकली अ फंक्शन। लेकिन फिलहाल मैं इसको कमांड कहूँगा। ये कमांड है आपके लिए जो क्या करती है कि आपके आउटपुट विंडो को रोकेगी आपके सामने, कब तक, जब तक आप कीबोर्ड से कोई कैरेक्टर जो है वो प्रेस नहीं करेंगे। ठीक है, सो अगर अभी मैं आपको आउटपुट बताऊं तो आपको वो नज़र आएगा। सो पहले कंपाइल कर लें, वी हैव नो एरर। ठीक है, नो एरर, इंटर एंड रन करते हैं और आपको आउटपुट विंडो नज़र आएगी। दैट इज़ योर आउटपुट विंडो। आप देख रहे हैं कि आपका मैसेज जो है वो आपके सामने आ रहा है और जब तक ये विंडो, जब तक मैं कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं करता तब तक ये विंडो रुकी हुई है और ये काम है आपके गेट सी एच का। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आउटपुट देखना चाहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि आउटपुट विंडो आपके सामने है तब तक जब तक आप कोई कीबोर्ड से की प्रेस नहीं करेंगे। एक और चीज़ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वेलकम टू माई फर्स्ट प्रोग्राम 2 times लिखा हुआ आ रहा है। वाई? क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने इसको कंपाइल करने के बाद रन किया था तो वो गायब हो गया था, लेकिन वो लिखा गया था, आपको नज़र नहीं आ रहा था। तो आप चाहते हैं कि पुराना आउटपुट क्लियर हो जाए और सिर्फ एक ही दफ़ा आउटपुट आए, उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? सबसे पहले एक और कमांड, दैट इज CLRSCR, दैट इज़ बेसिकली नोन एज क्लियर स्क्रीन। स्क्रीन को क्लियर कर देना। सबसे पहले क्या होगा, आपका कंपाइलर आएगा वाइड मेन के अंदर, सबसे पहली कमांड पड़ेगा क्लियर स्क्रीन, वो पिछला सारा आउटपुट क्लियर कर देगा। यानी आप समझे कि आपका टीचर आया है बोर्ड पे और पहले जितना कुछ बोर्ड पे लिखा है वो सब क्लियर करेगा और फिर नया डेटा जो है वो लिखेगा। उसके बाद क्लियर होने के बाद आपकी सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू आप एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, ओके, एंड थर्ड स्टेटमेंट में आप अपनी विंडो को रोक रहे हैं। ये 3 commands आपको मैंने अभी करवा दी हैं। सो लेट्स कंपाइल एंड रन, लेट्स सी कोई एरर तो नहीं है। नो एरर, गुड। रन करते हैं और आप देखिएगा कि आपको एक ही बार लिखा हुआ आएगा वेलकम टू माई फर्स्ट प्रोग्राम, दैट इज़ योर राइट आउटपुट। पिछला सारा क्लियर हुआ क्लियर स्क्रीन कमांड के थ्रू, उसके बाद आपका ये स्टेटमेंट लिखा गया और थर्ड पर आपकी ये विंडो आपके लिए रुकी हुई है। अब एक काम करते हैं, ये जो क्लियर स्क्रीन है, ठीक है, और ये जो गेट सी एच है, ये कहीं ना कहीं डिफाइन है, किसी बुक में डिफाइन है। अगर वो मैं बुक हटा दूँ तो ये आपको प्रॉब्लम देगा। और वो देखें, अच्छा मैं यहाँ पे ये वाली हेडर फाइल हटाता हूँ। अब मैंने ये हेडर फाइल हटा दी है, इस हेडर फाइल के अंदर आपका क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच के बारे में इंफॉर्मेशन थी, लेकिन अब चूंकि आपने हटा दिए तो अगर अभी आपने इसको कंपाइल कर दिया तो आप देखिएगा आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। एंड यस वी हैव सम एरर्स। एरर्स क्या हैं वो आपको अभी बताया जाएगा। एंटर करते हैं, नीचे मैसेज विंडो है, आपसे कहा जा रहा है कि ये जो चीज़ है क्लियर स्क्रीन दैट शुड हैव अ प्रोटोटाइप, गेट सी एच दैट शुड हैव अ प्रोटोटाइप। नाउ व्हाट इज मीन बाय प्रोटोटाइप, ये मैं आपको आगे जब लेक्चर सम करेंगे फंक्शंस के उसमें बताऊंगा। फिलहाल आपके लिए इसका मतलब है कि क्लियर स्क्रीन जो कि ये कमांड है और गेट सी एच जो कि ये कमांड है, ये दोनों आपके कंपाइलर को समझ नहीं आ रही कि इसका क्या मतलब है, ये कैसे हैंडल करना है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जिस बुक में इन दोनों के मतलब डिफाइन थे वो बुक आपने ऊपर से हटाई हुई है या आपने उसको दी हुई नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं ये आईओ स्ट्रीम भी हटा दूँ ना तो आपको सी आउट में भी प्रॉब्लम आने लगेगा। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि किस वक्त हमने क्या करना है। अगर आप क्लियर स्क्रीन यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप गेट सी एच यूज़ करना चाहते हैं जो हर प्रोग्राम में करेंगे, अगर आप सी आउट यूज़ करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आप लोगों ने ये 2 preprocessor डायरेक्टिव्स जो हैं वो ज़रूर लिखने होंगे। वन इज़ नोन एज आईओ स्ट्रीम, सेकेंड वन इज कॉल्ड conio.h। अब आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। अगर मैं कंपाइल कर दूँ, सो वी हैव 0 errors। रन कर दें कंट्रोल F9, वी हैव अवर आउटपुट स्क्रीन हैविंग अवर मैसेज। तो सी आउट के थ्रू हम लोगों ने एक मैसेज को प्रिंट किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट, न्यूमेरिक डेटा कैसे प्रिंट होता है। इसको मैं हटा देता हूँ। इस बार मैं सी आउट के थ्रू एक नंबर प्रिंट करना चाहता हूँ, कोई भी नंबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 10 मैंने प्रिंट करना है। अगर आप चेक करें ना, मैंने 10 विदाउट डबल कोट लिखा है, दैट इज़ एक्चुअली अ नंबर। और प्रोग्रामिंग में आप लोग नंबर्स को विदाउट एनी कोटेशन लिखते हैं, मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं। 10 लिखा एंड सेमी कॉलन पुट कर दिया,
दैट्स इट, दैट विल बी योर स्टेटमेंट. सो मैं करता हूँ ऑल्ट एफ नाइन, नो एरर, कंट्रोल एफ नाइन एंड यू विल गेट योर नंबर डेट इज 10. आप देख सकते हैं प्रीवियस आउटपुट भी हट चुका है. वेलकम टू माई फर्स्ट प्रोग्राम, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर दिस स्टेटमेंट. क्लियर स्क्रीन, इसके नाम से पता लग रहा है कि क्या करेगा, प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करेगा, नया रिजल्ट आपके लिए जनरेट करेगा. ठीक है, आप एक और चीज़ भी नोट कर लें सारे स्टूडेंट्स, कि हर एक स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ लिखी है, हर एक स्टेटमेंट, उन सब के बाद सेमी कॉलन आ रहा है, ये ज़रूरी है. अगर आपने सेमी कॉलन ना लगाया, लेट सपोज मैं नहीं लगाता, आपको एरर्स आएंगे. Alt F9 एंड नाउ वी हैव एन एरर. क्या कह रहा है? स्टेटमेंट कहता है मिसिंग है, यानी एक्चुअली में क्या मिस है, आपके पास सेमी कॉलन जो है वो सही तरह से यूटिलाइज नहीं किया गया या लगाया ही नहीं गया. सो ये इस जगह पे हमें कुछ कह रहा है, लेकिन एक्चुअली में सेमी कॉलन से ऊपर है. सो हम एंटर करते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने सेमी कॉलन लगाना है, आपका एरर जो है वो हट जाएगा. सेमी कॉलन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आप इसको ज़रूर लगाइएगा. ओके, सो नंबर प्रिंट हो गए एंड मैसेज यानी स्ट्रिंग भी पुट हो गया, प्रिंट हो गया. अगर आपने ऐसे नंबर्स प्रिंट करने हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट्स भी आते हैं, उसको फ्लोटिंग डेटा कहते हैं, उसके लिए आप लोग डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं, लेट सपोज 10.12. अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं, डेट इज ऑल्सो अ नंबर, आपको कोट्स करने की ज़रूरत नहीं है. सिंपली आप लोग इसको ऑल्ट एफ नाइन करें, इंटर करके कंट्रोल एफ नाइन करें एंड आप देख सकते हैं आपके पास जो आंसर है वो आ रहा है, डेट इज 10.12. तो आप लोग इस किस्म का डेटा भी जो है वो प्रिंट कर सकती हैं. आप सिंगल कैरेक्टर भी प्रिंट कर सकते हो, मैंने कोर्स ऑफ टाइम में लिखा नहीं है लेकिन अभी मुझे याद आया, सिंगल कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल ए, मैं ए प्रिंट करना चाहता हूँ. इसको प्रिंट करने के लिए आप लोगों ने इसको कोट, सिंगल कोट में पुट करना है, सिंगल कोट. सो मैं यहाँ पे एक लेटर है ना, सिंगल कोट में करना है, सिंगल कोट इस तरह होगा, सिंगल कोट. बस ये याद रखें, मोर देन वन है तो डबल कोट और अगर सिंगल है तो सिंगल कोट. चेक कर लें इसको, कंपाइल, नो एरर, कंट्रोल एफ नाइन एंड वी हैव सिंगल एरर, सॉरी सिंगल करेक्टर, नॉट एरर. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिंगल की जगह दो कर दूँ, ए और बी कर दिया लेकिन सिंगल कोट में किया हुआ मैंने, आपको पता है मोर देन वन हो तो डबल कोट में होता है लेकिन मैंने यहाँ पे सिंगल में कर दिए, अभी देखें क्या होता है. थोड़े एक्सपेरिमेंट किया करें प्रोग्रामिंग में, बड़ा मज़ा आता है. एरर नहीं है लेकिन आउटपुट देखिए, आप आउटपुट देख रहे हैं, आपको आउटपुट थोड़ा स्ट्रेंज आ रहा है. ठीक है, क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप लोगों ने इसमें गलती की हुई है, वो गार्बेज वैल्यू एक दे रहा है. गार्बेज कहते हैं फजूल की कोई वैल्यू दे रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रही कि क्या हुआ है. एक्चुअली में आप लोगों ने सिंगल कोट में सिंगल लेटर्स लिखने हैं, डबल नहीं लिखने. ठीक है, सो हम या तो ए लिख सकते हैं या आप बी लिख सकते हैं, डैट इज़ द राइट आंसर. ठीक है, तो सिंगल कोट सिंगल लेटर्स के लिए है, मोर देन वन के लिए आप लोग डबल कोट यूज़ कर सकते हैं. अगर आपने वाकई में ए बी करना है, सही तरीके से करना है, तो आप डबल कोट में पुट कीजिए. अब ठीक है, सो कंट्रोल एफ नाइन, आप देख सकते हैं अब से रिजल्ट ठीक आ रहा है. सो करेक्टर डेटा भी हो गया. अब हम एक काम करते हैं, अब हम लोग प्रिंट करते हैं वेरिएबल की वैल्यू को, वेरिएबल की वैल्यू. अभी तक मैंने वेरिएबल आप लोगों को इधर प्रैक्टिकली नहीं बताया हुआ अपने कोर्स में, इस जो मैं सीरीज़ डेवलप कर रहा हूँ यूट्यूब पे, लेकिन उसको मैं फुल डिटेल में कराऊंगा आपको. फिलहाल एक छोटा सा डमी सा आपको बता देता हूँ, क्योंकि सी आउट वो भी आपके लिए प्रिंट कर सकता है. मैं आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इन डेटा टाइप के एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, लेट सपोज उसका नाम है वैल्यू. ठीक है, सो जिन जिनको ये समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, मेरा लेक्चर आप लोग देखिएगा डेटा टाइप्स का, वो मैं आगे बनाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा. वैल्यू क्या है? एक आइडेंटिफायर है और उसकी टाइप क्या है? इंट. मतलब क्या हुआ कि वैल्यू नाम का एक कंटेनर या एक स्टोरेज आपके कंप्यूटर मेमोरी में बन जाएगी, आपकी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर एक जगह रिजर्व हो जाएगी, उसका नाम क्या होगा? वैल्यू. आप कोई भी नाम दे सकते हैं. उसमें किस टाइप की वैल्यू सेफ होगी उस बॉक्स में या उस लोकेशन में? इंटीजर टाइप की. सो मैं वैल्यू को कहता हूँ कि आपको मैं असाइन करता हूँ एक वैल्यू, लेट सपोज 100. इसका क्या मतलब हुआ इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ, आप समझे, यहाँ पे एक बॉक्स है, उस बॉक्स का नाम है वैल्यू और उसमें जो वैल्यू मिल रही है अभी असाइन हो रही है, पुट हो रही है, ये ऑपरेटर पुट करने के लिए वहाँ पे असाइन करने के लिए, उस वैल्यू को मैंने दिया है 100. एक बॉक्स के अंदर 100 वैल्यू सेफ हो गई. उस बॉक्स का नाम क्या है? वैल्यू. ठीक है, और वो किस टाइप की डेटा सेव कर रहा है? इंटीजर. क्या 100 एक इंटीजर वैल्यू है? यस. तो अभी आपको कोई भी एरर नहीं आने वाला.
अगर देखा जाए तो कंटेनर जो है, जो एक्चुअल नाम है जिस जगह का, फॉर एग्जांपल एक रूम है, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, मैं आपसे पूछता हूँ रूम नंबर 1 में कौन बैठा हुआ है, तो आप रूम नंबर 1 में जाएंगे और वहाँ से उस बंदे का नाम जो है वो लेकर आएंगे। यहाँ पर भी यही हो रहा है, मैं आपसे कहता हूँ कि 100 वैल्यू किस जगह पे पड़ी हुई है, तो हम लोग सी आउट को कहते हैं कि 100 वैल्यू जिस जगह पे पड़ी है उस जगह का नाम क्या है, वैल्यू, उस जगह का नाम है वैल्यू। सी प्लस प्लस उस वैल्यू वाले बॉक्स में जाएगा, कहेगा कोई वैल्यू वाला बॉक्स है, कहेगा यस मैं हूँ, कहेगा आपके पास कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, वो कहेगा मेरे पास 100 वैल्यू पड़ी हुई है, कहेगा ठीक है मैं आपको इसका आंसर देता हूँ, कंट्रोल एफ नाइन, और आप देख सकते हैं नाउ वी हैव दैट 100 वैल्यू इन साइड अवर वैल्यू बॉक्स और वैल्यू स्टोरेज लोकेशन। अगर किसी को क्लियर नहीं है ये, तो ये इस पर पूरी एक डिटेल वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, सिर्फ अभी तो ये बता रहा हूँ कि सी आउट क्या क्या कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि लिखा हुआ है कि द वैल्यू इज 100, वैल्यू इज 100, फर्स्ट वैल्यू इज 100, सेकेंड वैल्यू इज 100, कुछ भी आप स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, तो आपके इस आंसर से पहले आप लोग एक मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं। कैसे वो देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डबल कोट में, द वैल्यू इज, ये मैंने लिख दिया दी वैल्यू इज, यानी इस वेरिएबल के नाम को प्रिंट करने से पहले ये मैसेज ले आओ द वैल्यू इज, और मैंने डबल कोट बंद भी कर दिया। नाउ अभी क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे कंपाइल करता हूँ तो आप देखेंगे आपको एक एरर आ रहा है, वो कह रहा है कि आपकी स्टेटमेंट मिसिंग है, वैल्यू इज असाइंड अ वैल्यू डैट इज नेवर यूज, ये थोड़ा सा कुछ टेक्निकल मैसेज आ गया, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए सी आउट आपके लिए स्ट्रिंग मैसेज प्रिंट कर सकता है, वो आप डबल कोट में स्टार्ट करते हैं, डबल कोट तक आप उसको एंड करते हैं, वो ठीक है, यहाँ तक तो वो जा रहा था, लेकिन उसने आगे देखा कि यहाँ पर स्पेस आ गई है और वो अज्यूम कर रहा था कि यहाँ पे सेमी कॉलन होना चाहिए था, लेकिन सेमी कॉलन नहीं था, उसने इसलिए आपको कहा है कि स्टेटमेंट आपकी मिसिंग है, यानी सेमी कॉलन यहाँ पे नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, अब अगर आप देखें तो वो पहली वाली सी आउट पे आया, द वैल्यू इज डबल कोट बन, सेमी कॉलन भी है, कोई एरर नहीं है, ये स्टेटमेंट आएगी। उसके बाद आपने एक और सी आउट यूज किया और वही वैल्यू जो कि 100 थी पहले वही प्रिंट कर रहे हैं। नाउ वी हैव टू सी आउट्स, तो पहले वाला आपका मैसेज आएगा, उसके बाद आपको 100 लिखा हुआ आएगा। तो देखिए क्या होता है, द वैल्यू इज फर्स्ट स्टेटमेंट, उसके बाद आपकी सेकेंड सी आउट जो है वो आपके लिए 100 जो है वो प्रिंट कर रही है। अगर आपको लगता है कि ये दो अलग अलग लाइंस में होने चाहिए थे, जैसे यहाँ पे अलग अलग लाइंस में, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सी प्लस प्लस इंटर स्पेसेस, वाइट स्पेसेस, इनको इग्नोर करता है। हाँ, अगर आप नेक्स्ट लाइन में लाना चाहते हैं तो उसके लिए तरीके हैं, लेकिन फिलहाल मैंने आपको वो नहीं बताया, मैं सिंपल मैसेज प्रिंट करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि इस लेक्चर में सिर्फ मेरा फोकस है सी आउट के ऊपर। तो सी आउट जो है आपके लिए स्ट्रिंग मैसेज, सिंगल कैरेक्टर्स, न्यूमेरिक वैल्यूज़, फ्लोटिंग वैल्यूज़, वेरिएबल की वैल्यूज़ और वेरिएबल के साथ मैसेज भी प्रिंट कर सकता है। तो इस लेक्चर में आप लोगों को सिर्फ दिखाना था कि सी आउट में कितनी पावर है और वो आपके लिए क्या कुछ प्रिंट कर सकता है। अब सी आउट के थ्रू आप लोग जो कुछ प्रिंट करना चाहें कर लें, पूरे पूरे नाम प्रिंट कर लें, पूरे एड्रेसेस प्रिंट कर लें, जो आप चाहते हैं, आप टेक्स्ट वैल्यूज भी प्रिंट कर सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। इस वीडियो में इतना ही था, कोई भी क्वेश्चन हो मोस्ट वेलकम, मैं आपके लिए यहाँ पे बैठा हूँ, जो भी आप लोग कमेंट्स में मुझे बताएंगे मैं आपको आंसर्स जो है वो प्रोवाइड करूँगा। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।